हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगी कि मैंने अपना ट्विन सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में अपना वेट लॉस कैसे किया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैं इसलिए शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिले और आप जो मैंने टिप फॉलो की थी आप भी उनको करें ताकि आप भी अपना आराम से वेट लॉस कर सके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ना तो जिम के लिए टाइम था और ना ही एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता था और ना ही कोई मैंने स्पेशली डाइट की है। और बस मैंने कुछ चीजों का ध्यान रखा, कुछ बातों का ध्यान रखा, और आप भी अगर उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप आराम से वेट लॉस कर लेंगे। ठीक मिलता था, आप समझ सकते हैं कि सिंगल बच्चे में ही टाइम नहीं मिलता तो फिर ट्विंस में तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या टिप फॉलो की थी जो आप भी करें और आप अपना आराम से वेट लॉस करें। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है सी सेक्शन आपकी डिलीवरी हुई हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आप जो है दोनों में ही ये जो है टिप फॉलो करके आप अपना आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं सिजेरियन डिलीवरी के बाद में जो है वेट लॉस में सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों होती है, स्पेशली हमारा पेट कम नहीं होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम आती है वो पेट को लेके ही आती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका डिलीवरी होने प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट कितना था। ठीक है, मैं आपको बता दूं अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले वेट बहुत ज्यादा था तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, तो आप बाद में ये बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि ये मतलब आप जो है आपकी डिलीवरी होने के बाद में आप बिल्कुल पतले हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आप कोशिश करके ये कर सकते हैं कि जो आपका जो है प्रेगनेंसी से पहले वेट था आप लगभग अपने आप को उसके आसपास लेके आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और जिन लोगों का वेट जो है प्रेगनेंसी से पहले ही कम था तो उनको थोड़ा आसानी ज्यादा रहती है वेट बाद में कम करने में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मैं शुरू से ना तो बहुत ज्यादा मोटी रही हूँ और ना ही मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ, मैं ठीक हूँ जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जो है आपके ट्विंस बेबी बॉय हो या आपका सिंगल मतलब बेबी हो, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि मैंने अपने दोनों बेबी को जो है अपना ही फीड कराया था, वो भी कंटिन्यू लगातार 6 महीने, मतलब मैंने उनको ऊपर का ना तो कोई दूध दिया था और ना ही मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, तो अगर आपके भी ट्विंस हैं तो आप भी आराम से ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, कोई भी दिक्कत नहीं होती। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मतलब दोनों के लिए पर्याप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोल दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपके भी ट्विंस हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है कि उनका पेट भरेगा नहीं भरेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको मैं एक वीडियो बना के दूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपके 80% डाउट दूर हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसमें ही सारा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं अपनी बात पे आ जाती हूँ। आपको क्या करना है कि अगर आपके बेबी ट्विंस हो या फिर सिंगल हो, आपको उनको दोनों को अपना ही फीड कराना है। ठीक है, मैं ये बात स्पेशली बोल रही हूँ, सबसे पहले जो है हमारा जो बेबी होता है उसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है माँ का दूध। आपको पता है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और इससे हमको भी फायदा ये होता है कि हमारा जो है जो पेट निकल आता है डिलीवरी के बाद में, वो आप जितना ज्यादा बेबी को फीड कराएंगी आपका पेट उतनी ही जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप कोशिश करें बेबी को अपना दूध ही पिलाएं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है क्या क्या डाइट लेती थी उस समय ताकि बेबी के लिए पर्याप्त दूध होता रहे, तो आप अगर इस पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मैं दोनों बेबी को आराम से फीड करा सकती हूँ तो आप भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर आप कंटिन्यू फीड कराते हैं तो आपका वेट आराम से जो है लॉस हो जाएगा। और एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, वेट मतलब आप वेट को लेके ज्यादा चिंतित ना हो। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपका जो ये वेट बढ़ा था क्या एक ही दिन में बढ़ा था, नहीं ना फ्रेंड, इसको बढ़ने में पूरे 9 महीने लगते हैं। ये जो वेट हमारा बढ़ता है एक एक दिन करके बढ़ता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि हम एकदम से मोटे हो जाते हैं। ठीक है,
तो आपको एक चीज, थोड़ा पेशेंस आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, वो आपको पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने 9 महीने में वेट धीरे धीरे गेन किया था, आप ठीक वैसे ही धीरे धीरे उसको लॉस करें। ठीक है, आप ये ना सोचे कि एक, ये बिल्कुल भी ना सोचे कि बस हम एकदम से पतले हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचती हैं डिलीवरी के बाद में कि हम एकदम से पतले हो जाए, तो आप क्या करेंगी कि आप जो है उल्टा सीधा काम करेंगी, मतलब आप जो है फालतू मतलब डाइट करेंगी, आप एकदम से बहुत कुछ मतलब परहेज करेंगी, ये करेंगी, इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, प्लस आप अपने बेबी के लिए भी पर्याप्त दूध नहीं बनेगा अगर आप पर्याप्त खाएंगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि बस डिलीवरी होगी हम एकदम से पतले हो जाए, तो इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से हो जाएंगे ना फ्रेंड। ठीक है, तो इसीलिए मैं, और क्योंकि उस समय मुझे भी थोड़ा टेंशन होती थी क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार था, और मैं आपको बता दूं मेरी फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो नॉर्मल में तो सब कुछ अपने आप ही कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सी सेक्शन में क्या होता है कि पेट हमारा ठहर जाता है। तो ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सबसे पहला काम करने के बाद में आपको क्या करना है कि मैं आपको बता दूं कि आपको कंटिन्यू गर्म पानी पीना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मक्कारी यहीं पे लेडीज अक्सर देती हैं कि वो गर्म पानी जो है कंटिन्यू नहीं पीती हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरे 3 महीने गर्म पानी पिया था। जी हाँ, मैंने एक बूंद भी ठंडा पानी नहीं पिया था पूरे 3 महीने। ठीक है, आप ये मैं सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है तो हम पी लेते हैं, मतलब जब मन किया तब ठंडा पी लिया, जब मन किया तब गर्म पी लिया, तो इससे क्या होता है कि ना तो हमारा वेट लॉस ही होता है बल्कि हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू गर्म पानी पीना है। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन के जो है लगभग मैंने लगभग 1.5 महीने तक जो है अजवाइन का पानी पिया था। ठीक है, मेरे बाबू जो हुए थे वो सर्दियों में हुए थे, तो सर्दियों में उस समय हमें गर्म चीज की जरूरत भी होती है, तो मैंने अजवाइन का पानी जो है खौला के रख लेती थी। और आपको एक चीज और बता दूं, आपको पानी जब भी पिए आप गुनगुना पानी पिए। आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि बस ठंडा पानी कर लिया और ठंडा करने के बाद आप पी रही हैं और आप कह रही हैं गर्म पानी। ठीक है, खौला के तो रखना ही, वो अच्छी बात है, लेकिन आप जब भी पिए तो गुनगुना पानी ही पिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप ज्यादा गर्म पी सकती है तो और अच्छी बात है, लेकिन आप गुनगुना पिए। ठीक है फ्रेंड, और लगभग 1-1.5 महीने आप खौला के रख लीजिए, उसको गुनगुना करके पीजिए। मतलब मैं क्या करती थी कि जो बोतल आती है जिसमें गर्म पानी बना रहता है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बोतल थी, मैं इसमें ही जो है गर्म पानी अपना गुनगुना करके भर लेती थी। ठीक है, तो आप भी ये देखिए मेरे पास छोटी वाली बोतल है, अगर आप चाहें तो बड़ी वाली बोतल भी मंगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इससे क्या होगा कि जो है हमको बार बार जो दिक्कत नहीं होती है और हमें बार बार उठना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप जो है गुनगुना पानी ही पिए। और एक चीज और आपको बता दूं कि जब आप जो है मैंने 3 महीने कैसे पिया था, क्योंकि जनवरी में बाबू हुए थे तो मैंने पूरी जनवरी गर्म पानी पिया था, पूरी फरवरी और पूरी मार्च। ठीक है, मैंने 3 महीने कंटिन्यू गर्म पानी पिया था, उसके बाद में गर्मी पड़ने लगी थी तो फिर मैंने धीरे धीरे ताजा पानी शुरू किया था। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आप गुनगुना पानी पियेंगी तो आप तो बिल्कुल फिट रहेंगी, आपको तो फायदा होगा वेट लॉस में, और सबसे बड़ी बात आपके बाबू को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, शुरुआत में बाबू के लिए ठंडा पानी ठीक भी नहीं रहता है, अगर आप पीती हैं तो बाबू को तो ऑटोमेटिक नुकसान करेगा। ठीक है, और आपको दूसरा काम ये करना है, एक चीज और बता दूं आपको, ये जो भी करना है बड़ी ईमानदारी से करना है। ठीक है, आप मुझे देख लीजिए, मैं अकेले रहती थी, लेकिन मैं मतलब आप कर रहे अपने लिए कर रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि कोई नहीं देख रहा तो बस जो मन में आ रहा वो खाए जा रहे हैं, जो मन में आ रहा वो करे जा रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी कि आपको अपना वेट लॉस करना है। ठीक है, और हाँ, आपको मैं सबसे पहले एक चीज यहाँ पे बता दूं कि शुरुआत में क्या होता है, जब हमारी सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो हम मालिश नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, शुरुआत में तो मैं आपको बताऊं वेट लॉस में मालिश का भी सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में लगभग 1.5 महीने मालिश नहीं करवा पाई थी, क्योंकि आपको पता है बहुत दिक्कत होती, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, तो मैंने क्या बोला, मुझसे लोगों ने बोला था कि ऐसा करो तुम 1.5 महीने बाद कि सिर्फ हाथ पैरों में मालिश करवा लो, पेट में नहीं करवाना। ठीक है, तो मैंने उनकी सुनी, लेकिन मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1.5 महीने के बाद में हमारा जो होता है घाव वो काफी हद तक सही होने लगता है, हमारे पेट में जो बहुत ज्यादा सूजन और दर्द होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो 1.5 महीने बाद मैंने लगभग 20 दिन तक मालिश करवाई थी, और मैं आपको बता दूं मैंने अपने पेट पे भी मालिश कराई थी। ठीक है फ्रेंड, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको थोड़ा भी कंफर्टेबल लगता है 1.5 महीने बाद, तो आप भी पेट पे मालिश जरूर कराएं, मतलब बहुत ज्यादा कस के नहीं करवानी है, लेकिन आप उस पर थोड़ा से ठीक करवाएं। मैंने तो मतलब
जहाँ पे हमारा ऑपरेशन का जो हिस्सा होता है नीचे का, आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी आप जो पेट होता है ऊपर ऊपर का उस पर मालिश जरूर करवाएं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है, मेरी भी हुआ था, लेकिन कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप इस ये बिल्कुल ना सोचे कि पेन होता है, पेन तो मेरे भी हो रहा था, लेकिन बस मैंने करवा लिया तो वो भी मेरे लिए जो है पेट कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा, ठीक है। और मैं आपको तीसरा, तीन काम आपको ये करने, चौथी आपको ये फॉलो करना है कि आपको जो है खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। खाने पीने में आपको डाइट नहीं करनी है, आपको खाना क्या है वो मैं आपको बता दूं, मैं क्या खाती थी, मतलब आपको बारी चीजों से दूर रहना है, आपको तली चीजों से दूर रहना है, आपको ठंडी चीजों से दूर रहना है, क्योंकि उस समय तो वैसे भी हमें परहेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उस समय तली और बारी ठंडी चीजें खाते हैं तो हमारे बाबू को भी नुकसान करता है, ठीक है। आपको तो करेगा ही, और स्पेशली सिजेरियन में तो बहुत ज्यादा ही परहेज करना पड़ता है पूरे 6 महीने कि आप बारी चीजें ना खाएं। इससे क्या होता है, अगर आप नहीं मानती है तो आपके जो है पेट में सूजन आएगी, आपके दर्द होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पूरे 6 महीने कोई भी बादी सब्जी नहीं खाई थी, आप भी बादी सब्जी ना खाएं। और मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ 3 दालें खाई थी पूरे 6 महीने, आप भी उनको खाएं। मतलब आप शुरुआत में थोड़ा सा परहेज कर लें, फिर आप बाद में धीरे धीरे सब कुछ खा सकती हैं। आज मैं सब कुछ खाती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं बता दूं, मैं दाल कौन कौन सी खाती थी, जैसे अरहर की दाल है, आप जो आती है ना खड़े मसूर की दाल आती है, मैं वो लेती थी, और मूंग की दाल, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है शुरुआत में स्पेशली दलिया बहुत ज्यादा खाया, ठीक है। दलिया है, दाल है, सबसे ज्यादा आपको मैंने इसलिए खाया था, इससे क्या होता है हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, और हमारा जो वेट है वो भी धीरे 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 कम होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि क्या करना है, कि जैसे मैं क्या करती थी कि सुबह दलिया खाती थी और शाम को खाना खाती थी, ठीक है। आप दलिया क्या करना है, जैसे आप दाल डाल के बना लीजिए, आप उसी में सब्जियां डाल लीजिए, ठीक है। कभी आप फ्राई करके बना लीजिए, कभी सादा बना लीजिए, मतलब जैसा भी आपको पसंद हो, आप दलिया उस समय ज्यादा से ज्यादा खाएं। और हाँ, उसमें 2 चम्मच घी जरूर डाल लें, क्योंकि घी हमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। और आपको एक चीज बता दूं, उस समय घी आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन होने के बाद में अगर आप परहेज नहीं करती हैं, तो मैं आपको एक यहाँ पे अलर्ट कर दूं कि आपका जो पेट है वो एकदम से फैल जाएगा। तो इसलिए आपको उस समय परहेज और थोड़ी सी सावधानी जरूर करनी है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरे 6 मंथ मैंने किसी भी बेल्ट का यूज नहीं किया था, मैंने किसी भी प्रकार की चुन्नी नहीं बांधी थी, और मैंने किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी कपड़ा यूज नहीं किया था, ठीक है, मैंने बिना उसके ही। और एक बात और बता दूं आपको कि मुझे तो टहलने का टाइम नहीं मिलता था, मुझे थोड़ा बहुत भी जब भी टाइम मिलता था तो मैं बहुत ज्यादा 5 मिनट टहल पाती थी। हाँ, लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सुबह शाम जरूर टहलें, मतलब धीरे धीरे शुरुआत करें, ठीक है। और आप ये नहीं कि सी सेक्शन के बाद में एकदम से ना भड़बड़ाएं, बिल्कुल भी एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है। आप शुरुआत में पहले 2 मिनट टहलें, फिर 3 मिनट टहलें, मतलब आप धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार करें। आपको ये नहीं करना है कि बस एकदम से वेट लॉस करना है, ठीक है, एकदम से नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है। और मैं एक चीज और बताऊं, आपकी एक गलतफहमी और यहाँ पे दूर कर दूं कि सी सेक्शन के बाद में मतलब मना किया जाता है घी वगैरह तली चीजें मतलब तेल वगैरह ज्यादा लेने से। तो आपको बताऊं, शुरुआत में मना करते हैं क्योंकि टांके वगैरह पकने का डर रहता है, तो आपको शुरुआत में नहीं खाना है। आपको लगभग 15-20 दिन के बाद में सारी चीजें अलाउ कर देते हैं, जो हमें हरीरा वगैरह दिया जाता है, तो आप उसको जरूर खाएं फ्रेंड्स। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इसको खा लूंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको शुरुआत में जरूर खाना है, हरीरा खाइए आप। मैंने भी खाया था और वो भी अच्छे से खाती थी, 1 कटोरी सुबह 1 कटोरी शाम को। और एक चीज और बताऊं, आपको दूध जो लेना है वो मलाई निकाल के लेना है, ठीक है फ्रेंड। और आप दूध जरूर पिए, प्रोटीन एक्स पाउडर डाल के पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आपको ये बिल्कुल भी बेवकूफी नहीं करनी है वेट लॉस के चक्कर में कि आप हरीरा वगैरह ना खाएं, तो वो उस समय हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप स्पेशली उसको जरूर खाएं, ठीक है। मैं आपसे बार बार यही बात कहूंगी कि आप उससे बिल्कुल भी परहेज ना करें, लगभग 2 से 3 महीने आप उसको जरूर खाएं, ठीक है। और मैंने लड्डू भी बनाए थे, मेवा डाल के जो बनाते हैं आप उसको भी बनाए। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप हरीरा बनाए तो हरीरा में बहुत ज्यादा मात्रा में घी या फिर तेल ना डालें, ठीक है। और एक चीज बता, लिमिट में डालें, क्योंकि आपको पता है हमें डेली खाना होता है, तो आप ये मत सोचे कि एकदम से ये सारा हमारे अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अलर्ट कर दूं कि आपको बिल्कुल भी इस चीज से लापरवाही नहीं करनी कि आप हरीरा नहीं खा रही वेट लॉस के चक्कर में, आप जो है लड्डू नहीं खा रही। हमारी बॉडी को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत
होती है, अगर आप खाएंगी ये चीजें तो आपको तो फायदा करेंगी, प्लस आपके बच्चे को भी बहुत फायदा करेंगी जो आप उसको मिल्क पिलाएंगी। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और एक चीज बता दूं आपको, सब्जी में बादी सब्जी नहीं खानी है, बाकी आप खाइए। और एक चीज और बता दूं, अगर गर्मी है तो आपको तोरई, लौकी और इन चीजों से भी थोड़ा दूर रहना है लगभग 6 महीने तक, क्योंकि बाबू को ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। आप धीरे धीरे फिर सब कुछ अलाउ कर सकते हैं, फिर बाबू भी 6 महीने के बाद ऊपर का खाने लगते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है और आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन है तो आप शुरुआत में लगभग 3 महीने तक कोई भी एक्सरसाइज ना करें फ्रेंड्स। आप आराम से पहले थोड़ा सा जो है टांके वगैरह, जो हमारे अंदर तक के जो टांके होते हैं वो लगभग 6 महीने में हील हो पाते हैं, तो आपको जल्दबाजी इसलिए नहीं करनी है। आप पता चले कि पेट लॉस के चक्कर में एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर लें। ठीक है, तो मैंने बस इसीलिए ये एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, और ताकि आपके मन पे थोड़ी सी दुविधा हो, बहुत जल्दबाजी हो, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा जो है इग्नोर करें। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से सुनते हैं तो हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से 1 साल आप आराम से अगर धीरे धीरे ये काम करती हैं। और आपको एक बात और बोलूं, अगर आप कंटिन्यू गर्म पानी पीते हैं, और इस बीच वैसे तो आप चावल ना ही खाएं ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपका चावल खाने का मन करता है तो आप कच्चे वाले चावल बिल्कुल भी ना खाएं, आप पक्के चावल खाएं। ठीक है, और शुरुआत में जैसे अगर आप खाती हैं 1-1.5 महीने के बाद, तो आप आधा कटोरी चावल लें, बहुत ज्यादा चावल ना लें, और आप गर्म पानी पिए। इससे क्या होता है, बैलेंस बराबर रहता है। ठीक है, मेरा भी कभी कभी बहुत मन करता था तो मैं खा लेती थी, पर थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं खाती थी। तो आपसे भी मैं यही कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। ठीक है, और आप ऑयल ज्यादा ना लें, उस समय घी भी बहुत ज्यादा ना लें। आप पूरे दिन में 2 चम्मच घी जरूर लें, क्योंकि घी भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम उस समय नहीं खाएंगे, उस समय तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे, तो बाद में बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगती है माइंड में। और ठीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका भी वेट आराम से लॉस हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, अगर आपका जो है वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप उसको बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश ना करें प्रेगनेंसी से पहले का वेट। आप कोशिश करें कि जो आपका वेट था लगभग उसी के आसपास आ जाए। ठीक है, और आप जब टहलना शुरू करें तो आप धीरे 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 बढ़ाएं, और जब आप थोड़ा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आप धीरे धीरे जो है 40 मिनट भी टहल सकती हैं, 45 मिनट भी टहल सकती हैं सुबह और शाम को। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको जो है जो गर्म पानी पिए वो आप दिन में ज्यादा से ज्यादा पिए। ठीक है, आप ये बिल्कुल भी मक्कारी ना करें कि आप गर्म पानी की वजह से सिर्फ 1 गिलास पानी ले रही हैं, आधा गिलास ले रही हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरे दिन में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, गुनगुना, जितना आप ज्यादा पानी पिएंगी उतना ही आपके पेट की जो चर्बी है वो धीरे धीरे से उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, और आप भी मेरी तरह आराम से वेट लॉस कर सकती हैं। और हाँ, अगर आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर ट्विंस मॉम को स्पेशली कोई भी डाउट होता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको जो है, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं आपको बता दूंगी वीडियो बना के। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर किया करें, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूंगी ताकि आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।